महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में शिंदे गुट और विपक्ष में हुई भिड़ंत, पिछली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे शिंदे गुट और बीजेपी के नेता। विपक्ष लगा रहा था 50 खोखे एकदम ओके का नारा, विपक्ष के नारे से भड़के शिंदे गुट के विधायक। विपक्षी विधायकों ने गाजर दिखाकर शिंदे गुट के विधायकों का किया विरोध, कई घंटे तक नारेबाजी जारी। विधान भवन में कई घंटे तक शोर शराबा और नारेबाजी की गई, विरोध शुरू करने को लेकर के दोनों गुटों का एक दूसरे पर आरोप। बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार का फ्लो टेस्ट, शक्ति परीक्षण से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई अहम बैठक। बिहार विधानसभा के स्पीकर का इस्तीफा, फ्लो टेस्ट से पहले स्पीकर विजय सिन्हा ने दिया इस्तीफा। बिहार और झारखंड में आज एक साथ सीबीआई और ईडी की छापेमारी, कई टीमों का एक्शन, सिर्फ बिहार में 24 जगह पर छापेमारी की गई। गुरुग्राम के एक मॉल पर सीबीआई का छापा, गुरुग्राम मॉल के तेजस्वी यादव का होने का दावा। बिहार में 4 आरजेडी नेताओं के घर पर छापेमारी, पटना के आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर हुई छापेमारी। पूर्व एमएलसी सुबोध राय, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आरजेडी ने छापे को बदले की कार्रवाई बताया, कहा एजेंसियों का हो रहा है वीजा इस्तेमाल। राबड़ी देवी का बीजेपी पर वार, कहा गड़बड़ी के हम पर आरोप गलत, बीजेपी वालों ने देश को लूटा है। पटना में आरजेडी का जोरदार प्रदर्शन, सीबीआई वापस जाओ के पर्चे लेकर के धरने पर बैठे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा मुझे तोड़ने में फेल होने के बाद बीजेपी आप विधायकों को दे रही है ऑफर। देवरी कल्चर पर 2018 के फैसले की होगी समीक्षा, बनेगी 3 जजों की बेंच। स्वास्थ्य मोर्चे पर देशवासियों के लिए आज का दिन बड़ा है, फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया, मोहाली में कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का लोकार्पण। पीएम मोदी ने फरीदाबाद में किया अमृता अस्पताल का उद्घाटन, 2600 बेड से लैस होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। 6000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ अमृता अस्पताल, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत, उद्घाटन के बाद जताई खुशी। अमृता हॉस्पिटल एशिया के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक होगा, मरीजों के परिजनों के रुकने की भी यहां व्यवस्था की जाएगी। आम लोगों के लिए नई स्कीम लाने की तैयारी में मोदी सरकार, सड़क परियोजनाओं में 10 लाख रुपए तक का निवेश का मौका। केंद्रीय मंत्री गडकरी का ऐलान, 7 से 8% तक मिलेगा ब्याज। दिल्ली की डीटीसी बसों में नजर आएंगी महिला ड्राइवर्स, दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 11 महिला ड्राइवर को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम केजरीवाल ने 97 इलेक्ट्रॉनिक बसेस को दिखाई हरी झंडी, 200 महिला ड्राइवर्स की नियुक्ति करेगी दिल्ली सरकार। मैसूर दशहरा महोत्सव जम्बू सवारी की तैयारियां शुरू, हाथियों के नियमित व्यायाम और भोजन का किया जा रहा है प्रबंध। नवरात्रि के साथ 10 दिनों का स्टेट फेस्टिवल मैसूर दशहरा होता है शुरू, उमंग के साथ निकाली जाती है शोभा यात्रा। गुवाहाटी में अब ट्रैफिक सिग्नल्स के नियमों की अनदेखी करना आपको पड़ सकता है भारी, लापरवाही पर तुरंत कटेगा चालान। मोबाइल पर आएगा चालान कटने का मैसेज, आईटीएमएस से शहर में होने वाले हादसों में आएगी कमी। यूपी के मैनपुरी में मिले प्राचीन मंदिर और मूर्तियों के अवशेष, पुरातत्व विभाग ने मंदिर मूर्तियों को किया संरक्षित। पुरातत्व विभाग का दावा, 10वीं से 11वीं शताब्दी की बताई जा रही है ये मूर्तियां। मुंबई के ठाणे में मंगला गौर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। व्रत करने वाली विवाहित महिलाओं ने की पूजा अर्चना, उत्सव के उमंग में झूमती नजर आई महिलाओं की। महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान, राहत राशि 5000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए की जाएगी।
लखीमपुर खीरी की शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति की नेक पहल, 6000 से ज्यादा लावारिस लाशों का किया दाह संस्कार। देशभर में गणपति बप्पा के भव्य स्वागत की तैयारी, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व, बाजार में एक से बढ़कर एक मूर्ति उपलब्ध। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त, बारिश ने उफान पर नदी और नाले, उदयपुर में गार्ड का बह गया केबल। राजस्थान का पाली जिला भी बाढ़ की चपेट में आया, बारिश के चलते डैम भरकर हो रहे हैं ओवरफ्लो, रणकरपुर साड्डी बांध का भी जलस्तर बढ़ गया है। राजस्थान के बारह में बाढ़ से फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना का अभियान हुआ तेज, MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए मिशन शुरू किया गया। राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी में बढ़ा जलस्तर, 25 गांव बाढ़ की चपेट में आए। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश की वजह से कई गांवों के आसपास का संपर्क टूट गया है, रानीवाड़ा से सांचौर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे नंबर 31 दो जगह उसे टूट गई है। टिहरी जिले के घनसाली के नेलचामी में बादल फटने से किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि तबाह हो गई, लोगों में दहशत का माहौल। बढ़ने लगा है पटना में भी गंगा का पानी, निचले इलाकों में असर आने की है आशंका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा। अयोध्या में सरयू नदी भी धारण किया रौद्र रूप, आसपास के गांव तक पहुंच गया है नदी का पानी, लोगों को हो रही है मुश्किलें। यूपी के बांदा में उफान पर नदियां, मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते बाढ़ का खतरा मंडराया, केन नदी भी खतरे के निशान से ऊपर। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इटावा से सटे चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है, 1.5 दर्जन गांवों से संपर्क मार्ग टूट गए हैं, हजारों एकड़ कृषि भूमि भी जलमग्न। बारिश के बाद बादल फटने से रुद्रप्रयाग के कई गांवों में भारी नुकसान की खबर, ग्रामीणों की हजारों हेक्टेयर भूमि चढ़ी आपदा की भेंट। हिलाऊ नदी का विकराल रूप, अपने साथ बहाकर ली गई प्राचीन शिव मंदिर के आगे का हिस्सा। राजस्थान के बूंदी जिले के गुड़ा बांध में बढ़ा पानी, 1.5 गुना ज्यादा छोड़ा जा चुका है पानी, अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। धौलपुर में चंबल नदी विकराल रूप ने बढ़ाई परेशानी, 80 गांव में अलर्ट, सेना ने संभाला मोर्चा। आसनसोल और बनगांव के उपचुनाव में चला ममता का जादू, टीएमसी को मिली बड़ी जीत। रेल और टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शाना जरदोश ने हैंडलूम एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, मणिपुर के राज्यपाल भी रहे हैं मौजूद। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के बाद रंधिकपुर गांव के मुस्लिमों में खौफ, कई ने गांव भी छोड़ा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दनयदेश्वर मूले की किताब, नौकरशाही के रंग का विमोचन। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में अनिश्चितकालीन धरने पर किसान, अनुदान राशि के भुगतान की मांग को लेकर के दिया गया धरना। गोंडा में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई, कागजों में मर चुके हैं दो बुजुर्ग, खुद को जिंदा साबित करने के लिए काट रहे दफ्तरों के चक्कर। पप्पन सिंह गहलोत ने मंदिर के अंदर लगाई फांसी, लॉकडाउन में मजदूरों को फ्लाइट से भेजा था बिहार। आखिरकार जालौर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, दलित छात्र इंद्र मेघवाल के परिजनों से की मुलाकात, कहा अब ये लड़ाई भीम आर्मी लड़ेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस डिपार्टमेंट के 144 रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का किया उद्घाटन। राजस्थान के फतेहपुर में गोयनका मंदिर में बछ बारस पर गाय की विशेष पूजा की गई, गाय की
थीम पर सजा दिया गया पूरा दरबार। चालू कारोबारी साल 2022-23 में 480 अरब डॉलर के निर्यात का अनुमान, पहली तिमाही में 15.7% रह सकती है विकास दर। आरबीआई गवर्नर बोले, बैंकों के निजीकरण में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं, उच्च महंगाई का दौर खत्म, धीरे धीरे 4% पर लाएंगे इन्फ्लेशन रेट। कम होती महंगाई के बीच डिस्क्रिशनरी खर्च 10 गुना बढ़ने का अनुमान जताया गया है, सुख सुविधाओं पर बढ़ेगा खर्च, एसबीआई इकोरेप रिपोर्ट ने जताया अनुमान। भारत को 2047 तक विकसित बनाने की कवायद शुरू हो गई है, 100 भारतीय ब्रांड बनेंगे ग्लोबल चैंपियन, सरकार ने तय किया लक्ष्य। सस्ते छोटे घरों में लोगों की दिलचस्पी घटी, दिल्ली मुंबई समेत देश के 7 बड़े शहरों में लग्जरी घरों की डिमांड में आई तेजी। अनिल अंबानी पर 420 करोड़ की टैक्स चोरी का लगा है आरोप, 2 स्विस बैंक खातों में गुप्त धन रखने पर आईटी डिपार्टमेंट ने भेजा है नोटिस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने होम लोन के ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, होम लोन की दर 7.50% से बढ़कर के अब 8% हुई। एनडीटीवी का अधिग्रहण करेगा अडानी समूह, समाचार चैनल क्षेत्र में उतरने की तैयारी में गौतम अडानी। ईपीएफओ के अधिकारियों का बड़ा घोटाला, फर्जी क्लेम से करके पीएफ से कोरोना काल में निकाले 1000 करोड़ रुपए। आईफोन 14 के लॉन्च के 2 महीने के भीतर एप्पल की भारत पे इससे बनाने का प्लान, चेन्नई के फॉक्सकॉन में बनेगा प्लांट। अमेरिकी प्रशासन में भारत वंशियों के दबदबे का नया रिकॉर्ड, बाइडेन ने की 130 प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों की नियुक्ति। जो बाइडेन ने पूरा किया अपना वादा, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सरकार में भारतीय अमेरिकियों की तादाद। ट्रंप के कार्यकाल में 80 भारत वंशियों की को मिली थी प्रमुख पदों पर जगह, ओबामा प्रशासन में 60 भारतीय अमेरिकियों को मिली थी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। 40 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी अलग अलग स्टेट और फेडरल लेवल पर चुने गए हैं, 4 भारत वंशियों को मिली यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जगह। 20 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी यूएस की टॉप कंपनियों पर कर रहे हैं नेतृत्व। रूस यूक्रेन जंग को 6 महीने में पूरे, राजधानी कीव सहित यूक्रेन के शहरों पर रूस कर सकता है बमबारी। यूक्रेन की सरकार ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने को कहा है, 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दुनिया को चौंका दिया था। यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में घुसता नजर आया रूसी टैंक, यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिक चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में घुसे। रूस ने यूक्रेनी दावे को किया खारिज, 1986 में चेर्नोबिल में हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील, दुनिया यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र से रूसी सैनिकों को हटाने के लिए अल्टीमेटम जारी करेगी।